चलिए एवरीवन, तो आगे बढ़ाते हैं फ्रेजल वर्ब के सिलसिले को। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 64 से। फ्रेजल वर्ब हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाइज मतलब जो फ्रेजल वर्ब ज़्यादा यूज़ होता है उनको हम पहले देख रहे हैं, और जो बाद में जो कम यूज़ होता है उनको बाद में देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे हम, और आज का पहला फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। आस्क का मतलब आपको मालूम है पूछना होता है ना, और आस्क आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में पूछना। नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक वर्ड नहीं है, एक वर्ब नहीं है, है ना। इसमें एक शॉर्ट वर्ब है, उसके साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप है जिसमें एक शॉर्ट वर्ब है और प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। इसका जो मीनिंग होगा वो वर्ब वाले मीनिंग से डिफरेंट होगा। तो आस्क मतलब पूछना, आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के हाल चाल के बारे में पूछना, किसी व्यक्ति की सेहत के बारे में पूछना, ठीक है एवरीवन। इंक्वायर अबाउट समबडी, ये है मीनिंग उसका इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखते हैं, जिम वॉज आस्किंग आफ्टर यू, है ना। जिम तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, जिम तुम्हारे हाल चाल के बारे में पूछ रहा था। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में मैंने इस फ्रेजल वर्ब आस्किंग आफ्टर को यूज किया। तो आस्क आफ्टर यानी किसी के हाल चाल के बारे में पूछना। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नंबर 65 है बैक ऑफ। फ्रेजल वर्ब नंबर 65 एवरीवन, बैक ऑफ, ठीक है। चलिए, BACK, बैक, बैक का मतलब पीछे होता है, बैक का मतलब पीछे आना भी होता है। अब बैक ऑफ का मतलब क्या होता है आप देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, दो मीनिंग्स है। पहला मतलब है मूव अवे इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और अ फाइट, मूव अवे इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और अ फाइट, ठीक है। तो झगड़ा ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, कोई समस्या पैदा ना हो जाए, है ना, इसके चलते मूव अवे कर जाना, पीछे हट जाना, इसके चलते मूव अवे कर जाना, पीछे हट जाना, नरम हो जाना, है ना, अपने गुस्से को शांत कर लेना, ये सारे मीनिंग होते हैं एवरीवन। एग्जांपल देखिए, दे बैक्ड ऑफ इन हॉरर, हॉरर मतलब भय, डर, आतंक। तो भय के कारण वे लोग बैक ऑफ हो गए, मतलब वे लोग पीछे हट गए, है ना, भय के कारण, डर के कारण। अब डर किसी भी चीज का हो सकता है, लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है, तो डर के कारण वे लोग पीछे हट गए, है ना, बात को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, बात को उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया, बात को उन्होंने और ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। चलिए सेकंड मीनिंग भी देखते हैं, वो भी कुछ वैसा ही मीनिंग है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है ना। बैक ऑफ का पहला मतलब था वही पीछे हटना, मुकर जाना, तो सेकंड मीनिंग भी वही है, विड्रॉ, पीछे हट जाना, लेकिन किस चीज में, विड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट, ठीक है, अपने किसी दावे, मांग या कमिटमेंट से पीछे हट जाना, है ना, अपनी मांग को या दावे को वापस ले लेना। एग्जाम्पल है एवरीवन, द यूनियन हैज पब्लिकली बैक्ड ऑफ दैट डिमांड, मतलब वो जो यूनियन है, संघ है, उसने पब्लिकली मतलब जनता में अपने डिमांड को वापस ले लिया है, है ना, उसने जनता को बताया कि हम अपनी मांग को वापस लेते हैं, हमें अब वो चीज नहीं चाहिए। तो देखिए, बैक ऑफ को मैंने इस एग्जांपल सेंटेंस में यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 66 एवरीवन, बैकअप, है ना, बैक से ही बना हुआ फ्रेजल वर्ब था ये बैक ऑफ, और बैक से ही बना हुआ अगला फ्रेजल वर्ब है बैक अप, ठीक है, बहुत कॉमन है इसलिए नंबर 66 पर इसको देख रहे हैं। चलिए, बैकअप के दो मीनिंग आपको दिखेंगे, एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला मतलब एवरीवन, टू मूव इन रिवर्स यानी पीछे जाना, है ना, फिजिकली लिटरली पीछे जाना, चल के पीछे जाना, ठीक है एवरीवन। एग्जांपल है, द पीपल वेटिंग इन लाइन आर टू क्लोज टू द डोर, तो वे लोग जो लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो दरवाजे के बहुत नजदीक, समीप, निकट खड़े हैं। वी वोंट बी एबल टू ओपन इट अनलेस दे बैकअप, है ना, तो दरवाजे के इतने करीब हैं, वो इतने समीप है, इतने क्लोज खड़े हैं कि जब तक वो पीछे जाएंगे नहीं, फिजिकली पीछे जाएंगे नहीं, हम लोग दरवाजे को खोल पाएंगे नहीं, ठीक है एवरीवन। सो देख सकते हैं आप, इसमें मैंने बैकअप को यूज किया है, और बैकअप का मतलब क्या है, टू मूव इन रिवर्स, टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे जाना।
ऐसा ही कुछ मीनिंग सेकंड भी है, सेकंड मीनिंग भी कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। यहाँ पे बैकअप का सेकंड मीनिंग क्या है, टू ड्राइव अ व्हीकल बैकवर्ड्स, वहां पे था कि खुद पीछे जाना, चल के जाना, यहाँ पे है किसी व्हीकल को, किसी वाहन को, किसी गाड़ी को, किसी मोटर गाड़ी को पीछे ले जाना, है ना। तो दोनों मीनिंग है, खुद पीछे जाना या किसी गाड़ी को पीछे ले जाना। एग्जाम्पल है, यू आर टू क्लोज, बैक योर कार अप सो आई कैन ओपन द गैरेज डोर। आप गैरेज डोर के बहुत नजदीक खड़े हैं, आप गैरेज डोर के बहुत नजदीक खड़े हैं, अगर आप पीछे जाएंगे तभी गैरेज डोर मैं खोल पाऊंगा अन्यथा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप को यूज किया गया। ये दो मीनिंग थे एवरीवन बैकअप के। बैकअप बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, इसके और भी कुछ मीनिंग से उनको आगे देखेंगे। तीसरा मीनिंग एवरीवन, कंफर्म अ स्टोरी, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, है ना, किसी कहानी, तथ्य या सूचना को कंफर्म करना, है ना, उसकी पुष्टि देना, उसको सत्यापित करना, बताना उसके बारे में कि वो सही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डोंट बिलीव मी टॉक टू दिनेश, ही विल बैक मी अप। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो दिनेश से पूछ लो, है ना, ही विल बैक मी अप, मीन्स ही विल कंफर्म मी, है ना, ही विल कंफर्म मी, ठीक है, वो मुझे सत्यापित कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बैकअप, जिसका मतलब होता है सत्यापित करना, सही ठहराना, ठीक है, पुष्टि करना। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नंबर फोर, एक और मीनिंग है बैकअप का, उसको भी देख लेते हैं। मेक अ प्रोटेक्शन कॉपी टू यूज इफ देर आर प्रॉब्लम्स विद द ओरिजिनल, ठीक है, मेक अ प्रोटेक्शन कॉपी, ये एवरीवन हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, ठीक है, किसी फाइल का एक दूसरा कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, प्रोटेक्शन कॉपी बना लेते हैं, ताकि बाद में अगर कोई समस्या हुई और करप्ट हो गया आपका सिस्टम, या फिर किसी और वजह से वायरस वगैरह लग गया, आपका फाइल ख़राब हो गया, तो वो बैकअप कॉपी, वो प्रोटेक्शन कॉपी आपके पास रहेगी और फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, व्हेन माई कंप्यूटर क्रैश्ड आई लॉस्ट मेनी ऑफ माई फाइल्स, इट्स अ गुड थिंग आई बैक देम अप, है ना, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, है ना, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया मतलब ख़राब हो गया, अब कंप्यूटर ख़राब हुआ तो उसके कारण बहुत सारे मेरे फाइल्स उड़ गए, है ना, बहुत सारे मेरे फाइल्स ख़राब हो गए, जो अच्छी चीज़ रही कि मैंने उन सब का बैकअप बना लिया था, है ना, उन सब की डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी, अब मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये एवरीवन चार मीनिंग थे फ्रेजल वर्ब बैक अप के। आगे बढ़ते हैं, नंबर 67 है आस्क आउट, नंबर 67 है एवरीवन आस्क आउट। अब आस्क मतलब पूछना होता है, आउट मतलब बाहर होता है, तो आस्क आउट का मतलब क्या होता है, आस्क आउट का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर पूछना, नहीं, आस्क आउट का मतलब होता है बाहर चलने के लिए पूछना, है ना, कहीं बाहर मिलने के लिए पूछना, डेट के लिए पूछना, डेट समझते हैं ना, ये तारीख वाला डेट नहीं है, डेट मतलब रोमांटिक मीटिंग, है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, तो उसके लिए पूछना। एग्जाम्पल देखिए, नैन्सी हैज अ न्यू बॉयफ्रेंड, शी आस्क्ड हर आउट लास्ट नाइट, तो नैन्सी ने नया बॉयफ्रेंड बनाया है और नैन्सी ने उससे पिछले रात, गत रात बाहर चलने के लिए, मिलने के लिए उससे पूछा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 68 एवरीवन, बारगेन फॉर, बारगेन फॉर, देखिए बारगेन का मतलब होता है मोल जोल करना, है ना, अगर आप कस्टमर हैं तो आप चाहेंगे कि कोई प्रोडक्ट आपको या सर्विस आपको कम से कम पैसे में मिले, और कोई सेलर है, है ना, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो चाहेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचे, है ना, तो ये कस्टमर या क्लाइंट चाहते हैं कि कीमत कम हो, और जो सेलर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो चाहते हैं कि कीमत ज़्यादा रहे, तो इसी को कहते हैं बार्गेनिंग करना, मोल मुलाई करना। लेकिन बार्गेन फॉर का मतलब वो नहीं होता है, बार्गेन फॉर का मतलब हो जाता है टू कंसिडर, विचार करना, है ना, टेक इनटू अकाउंट यानी कंसिडर, विचार करना। एग्जाम्पल है, We hadn't bargained for there being so much traffic and we missed for the plane, है ना, हम रास्ते में, इस रास्ते में आने के पहले हम लोगों ने ट्रैफिक के बारे में नहीं सोचा, ट्रैफिक के बारे में विचार नहीं किया हमने, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस रास्ते में, सड़क पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिलेगी,
और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ट्रैफिक हमें मिला, बहुत ट्रैफिक हमें मिला और हम लोगों की प्लेन फ्लाइट मिस हो गई। तो बार्गेन फॉर मतलब एवरीवन टू कंसिडर, विचार करना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 69 है बी टेकन अ बैक, टू बी टेकन अ बैक, ठीक है एवरीवन, इसका मतलब होता है टू बी सरप्राइज एंड कंफ्यूज, सरप्राइज और कंफ्यूज हो जाना, आश्चर्यचकित और दुविधा में पड़ जाना, उस ऐसे सिचुएशन में चला जाना। एग्जाम्पल है, जय वॉज टेकन अ बैक वेन ही ओपन द डोर एंड डिस्कवर्ड एन एलिफेंट। तो जब जय ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही जो उसको दिखा, क्या दिखा, एक एलिफेंट दिखा, एक हाथी दिख गया दरवाजे के बाहर। अब ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और कंफ्यूज्ड हो गया, बहुत चक्कर रह गया, दंग रह गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब वॉज टेकन अबैक यूज किया गया है। तो जय वॉज टेकन अबैक मीन्स जय गॉट सरप्राइज एंड कन्फ्यूज, है ना। उसी तरह से इसके पहले वाले में भी यूज हुआ था, वी hadn't bargained for, वी hadn't bargained for मतलब वी hadn't considered, वी hadn't thought for, ठीक है। इसके वाले में एवरीवन, शी asked her out मतलब शी asked her for a date, शी asked her for a date। यहाँ पे देखिए आई बैक them up मतलब मैंने उन सबका प्रोटेक्शन कॉपी बना लिया था, और यहाँ पे बैक में आपको तो चलिए हाईलाइट कर ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 70 है बेयर आउट, बेयर आउट, बी ई ए आर, बेयर। बेयर का मीनिंग वर्ब के रूप में एक से अधिक होता है ना, बेयर का मतलब जन्म देना होता है, ठीक है, बेयर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, सहन करना भी होता है। यहाँ पे बेयर का मतलब जन्म देना ही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेयर आउट का मतलब होता है कन्फर्म द ट्रूथ, कन्फर्म द ट्रुथ, वही सत्यापित करना, सत्य की पुष्टि करना, यानी किसी फैक्ट के बारे में बोलना, किसी तथ्य के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में बोलना, आइडिया के बारे में बोलना कि वो सही है, सच है, बेयर आउट। एग्जाम्पल एवरीवन, हेलेंस एलिबाय वॉज बॉर्न आउट बाय हर सिस्टर, हेलेंस एलिबाय वॉज बॉर्न आउट बाय हर सिस्टर। एलिबाय का मतलब एविडेंस होता है, बहाना भी कह सकते हैं एवरीवन, कि हेलेन के द्वारा दिया गया जो सबूत था वो उसकी बहन के द्वारा सत्यापित कर दिया गया, मतलब उसकी बहन ने कहा कि हाँ जो हेलेन बोल रही है वो सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल सेंटेंस में ये बॉर्न आउट यूज हुआ है थर्ड फॉर्म के रूप में, हेलेंस एलिबाय वॉज कन्फर्म्ड बाय हर सिस्टर, ठीक है एवरीवन। फ्रेजल वर्ब नंबर 70, नंबर 71 है एवरीवन ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ठीक है। ब्रेक मतलब क्या होता है, टूटना या तोड़ना, इनटू मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर टूटना, अंदर तोड़ना, ठीक है। देखिए ब्रेक इनटू का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, टू एंटर समवेयर, टू एंटर समवेयर फॉर एन एग्जाम्पल इन अ हाउस और इन अ बिल्डिंग और इन अ बैंक इलीगली स्पेशली बाई फोर्स। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एवरीवन किसी भवन, है ना, किसी घर में, किसी भवन में, किसी घर में या किसी बैंक में इलीगली घुस जाना, है ना, गैर कानूनी रूप से घुस जाना, और ख़ास तौर पर बाई फोर्स, है ना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरन घुस जाना, है ना, कुछ गलत करने के इरादे से, जैसे बैंक में डकैत, है ना, रॉबर्स घुसते हैं डाका डालने के इरादे से, चोर रात में घुसते हैं, है ना, चोरी करने के इरादे से इलीगली घुसते हैं वो, है ना, और अक्सर बाय फोर्स जबरन, है ना, जबरदस्ती घुसते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, लास्ट नाइट अ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस एंड स्टोल माय टेलीविजन सेट। तो पिछली रात एक बर्गलर यानी एक सेंधमार चोर मेरे घर में घुसा और मेरा टेलीविजन सेट चुरा के ले गया, है ना। तो अ बर्गलर ब्रोक इनटू माय हाउस मतलब अ बर्गलर एंटर्ड माय हाउस, है ना, एक बर्गलर मेरे घर में घुसा, ठीक है, और जाहिर सी बात है इलीगली घुसा है, हो सकता है बाय फोर्स घुसा हो, चोरी करने के इरादे से घुसा था और टीवी चुरा कर ले गया, ठीक है एवरीवन, ब्रेक इनटू। आगे बढ़ते हैं, नंबर 72 है ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक का मतलब फिर से वही है, तोड़ना या टूटना, आउट मतलब बाहर होता है ना।
तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, टू स्टार्ट यूजुअली सडनली ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स। ब्रेकआउट का मतलब होता है एवरीवन किसी अप्रिय चीज का, किसी बुरी चीज का अचानक से चालू हो जाना, कोई बुरी चीज अचानक से चालू हो जाना, है ना, शुरू हो जाना। बुरी चीज जैसे कोई युद्ध, कोई लड़ाई छिड़ जाना, है ना, कोई एपिडेमिक, कोई महामारी फैल जाना, कोई वॉयलेंस, कोई हिंसा छिड़ जाना, इस तरह कोई फायर है, फायर मतलब आग, आगजनी हो जाना, आग लग जाना, तो इस तरह की बुरी चीज का आगाज हो जाना, आरंभ हो जाना, अचानक से, एकदम से, एकाएक से, ब्रेक आउट, है ना, कोई चीज कैसे फूट के बाहर आ जाती है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फूट के बाहर आ जाना। तो फूट के बाहर आ जाना किसका, किसी युद्ध या लड़ाई का, किसी बीमारी का, किसी फायर, आग का, अग्नि का, किसी इसी तरह के किसी चीज का। एग्जाम्पल लिखिए एवरीवन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ऑन September 3, 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को ब्रोक आउट हो गया। ब्रोक आउट हो गया मतलब अचानक से स्टार्ट हो गया, सडनली स्टार्ट हो गया। ठीक है एवरीवन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। ठीक है, ब्रोक आउट के बदले आप क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में, स्टार्टेड, स्टार्टेड सडनली, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड सडनली ऑन September 3, 1939, है ना, स्टार्टेड के बदले ब्रोक आउट इस सेंटेंस में यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ब्रिंग अबाउट, अगला फ्रेजल वर्ब है नंबर 73, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग मतलब होता है लाना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो शब्दार्थ हो जाएगा के बारे में लाना, बड़ा अजीब शब्दार्थ हो गया। खैर छोड़िए, शब्दार्थ को छोड़िए और उसका जो भावार्थ है उसको समझते हैं, उसका जो मीनिंग है, आशय है, तात्पर्य है, उसको समझते हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है एवरीवन टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन मतलब किसी चीज के होने का कारण होना, किसी चीज के होने का कारण होना मतलब कोई काम कराना। एग्जाम्पल लिखिए, द क्राइसिस वॉज ब्रॉट अबाउट बाई मनीज रेजिग्नेशन। द क्राइसिस वॉज ब्रॉट अबाउट बाई मनीज रेजिग्नेशन, तो मनीज के इस्तीफे के कारण, मनी के इस्तीफे के कारण क्राइसिस आया। तो क्राइसिस कौन लेकर आया एवरीवन, क्राइसिस कौन लेकर आया एवरीवन, क्राइसिस लेकर आया मनी का इस्तीफा। मनी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद तो फिर जैसे संकट ही आ गया, मुसीबत, परेशानियां ही खड़ी हो गई। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट लेकर आना, ठीक है, मतलब किसी काम को होने का, किसी काम के, किसी कार्य के होने का कारण होना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नंबर 74 है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में सफल हो जाना, ब्रिंग ऑफ। एग्जाम्पल है, नो वन थॉट क्रिस कुड विन द कॉम्पिटिशन बट ही ब्रॉट इट ऑफ। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिस भी उस कंपटीशन को जीत सकता है, लेकिन वो जीतने में सफल हुआ। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में उस फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया है, ही ब्रॉट इट ऑफ मतलब ही वोन, वो जीत गया, ही सक्सीडेड इन विनिंग, है ना, तो ही सक्सीडेड, है ना, ब्रॉट इट ऑफ के बदले आप क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ही सक्सीडेड। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब नंबर 75, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड है ना, ब्रिंग मतलब लाना, राउंड मतलब गोल, तो गोल लाना शब्दार्थ है, बड़ा अजीब है। चलिए इसके जो फिगरेटिव मीनिंग है, उसका जो आशय तात्पर्य हमें समझना है, उसको सुनते हैं। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है एवरीवन टू कन्विंस समबडी या टू परसुएड समबडी, किसी व्यक्ति को किसी बात का विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, या किसी को मनाना, बहलाना, फुसलाना, ये सारा मतलब होता है, मनाना, बहलाना, फुसलाना, या किसी बात का उसको भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर मच डिस्कशन आई ब्रॉट द कमिटी राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत डिस्कशन के बाद मैंने अपने विचारों पर विश्वास दिलाया, मैंने अपनी बातों पर भरोसा दिलवाया, किसको, कमिटी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, ब्रॉट राउंड यहां पे। सो आई ब्रॉट द कमिटी राउंड मीन्स वॉट, आई कन्विंस द कमिटी, आई कन्विंस द कमिटी, मैंने कमिटी को कन्विंस किया।
ठीक है, ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 75। चलिए एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 76 है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है कंप्लीट सक्सेसफुली डिस्पाइट अ प्रॉब्लम, है ना, किसी काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना, पूरा करना, पूर्ण करना डिस्पाइट अ प्रॉब्लम, समस्या के बावजूद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन हैड अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले बट, अच्छा जॉन तो यार लड़के का नाम है ना, यहाँ शी हो गया, यहाँ पे ही कर लेना है, बट ही कैरीड इट ऑफ। जॉन हैड अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले बट ही कैरीड इट ऑफ, है ना। जॉन को जो भूमिका मिली थी निभाने के लिए वो मुश्किल थी, वो कठिन था, लेकिन उसने उसको कैरी ऑफ किया, मतलब उसने उसको कंप्लीट किया, पूरा किया, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक पूरा किया। तो कैरी ऑफ एवरीवन मतलब सक्सेसफुली किसी काम को, किसी वर्क को, किसी जॉब को पूरा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 77, कैरी ऑफ से भी ज़्यादा कॉमन होता है ये फ्रेजल वर्ब कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू फुलफिल और परफॉर्म समथिंग, टू फुलफिल और परफॉर्म सम टास्क, है ना, किसी काम को, किसी कार्य को, किसी जॉब को पूरा करना, परफॉर्म करना। एग्जाम्पल है शी डिडंट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, उसने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, है ना, उसने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, उसने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, कैरी आउट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, नंबर 78 है कैच अप विथ। ध्यान से देखिए, एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें दो प्रेपोजिशन है, कैच अप विथ, ठीक है, कैच मतलब पकड़ना, अप मतलब ऊपर, विथ मतलब के साथ, तो ऊपर के साथ पकड़ना, शब्दार्थ इसका थोड़ा अजीब आएगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसका लिटरल मीनिंग तो हमें नहीं समझना, इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है। स्टॉप बीइंग बिहाइंड, कैच अप विथ का मतलब होता है एवरीवन स्टॉप बीइंग बिहाइंड, पीछे रहना बंद करना, मतलब बाकी लोगों के साथ रहना, पीछे नहीं रहना, बाकी लोगों के साथ रहना। एग्जाम्पल है टोनी स्टॉप टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही विल कैच अप विद अस लेटर। तो टोनी कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया है, टोनी आराम करने के लिए रुक गया है, ही विल कैच अप विद अस लेटर, बाद में वो हमारे साथ हो जाएगा, है ना, बाद में वो हमारे साथ हो जाएगा, वो पीछे नहीं रहेगा। तो एवरीवन, कैच अप विद का मतलब क्या होता है, बाकी लोगों के साथ हो जाना, पीछे ना रहना, ठीक है, कैच अप विद। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 79 चिकन आउट। चिकन आपको पता है मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चिकन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और चिकन आउट का मतलब होता है एवरीवन टू लूज द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग ऑफन एट द लास्ट मोमेंट और मिनट। तो चिकन आउट का मतलब होता है एवरीवन करेज खो देना, साहस हिम्मत ताकत खो देना, या कॉन्फिडेंस खो देना किसी काम को करने के लिए ऑफन एट द लास्ट मोमेंट या मिनट, है ना। अक्सर ऐसा तब होता है जब आप उस काम को करने ही वाले होते हैं, पूरा ही करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता है, है ना, कुछ गलत होता है, और आपका, आपकी जो हिम्मत होती है वो आपको जवाब देती है, और आप उस काम को कर नहीं पाते हैं, चिकन आउट, है ना, साहस हिम्मत या कॉन्फिडेंस खो देना, चिकन आउट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सोम सेड ही वॉज गोइंग टू आस्क लालू फॉर अ डेट। अच्छा, लालू लड़के का नाम है, सोम भी लड़के का नाम है, तो लड़का लड़का को तो डेट के लिए नहीं बोलेगा, तो इसको हम इसको लीला कर देते हैं, लीला, ठीक है। तो सोम सेड ही वॉज गोइंग टू आस्क लीला फॉर अ डेट बट ही चिकेंड आउट। सोम ने कहा था कि वो लीला से डेट के लिए पूछने जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन वक्त पर क्या हुआ, उसको उतना हिम्मत ताकत नहीं रहा जाके कि वो लीला से डेट के लिए पूछ सकता, वो डर गया, है ना, वो पूछ नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नंबर 80 है चिप इन। चिप इन, चिप इन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट और डोनेट, है ना, कॉन्ट्रीब्यूट और डोनेट, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, डोनेट मतलब दान देना। ऑफन मनी टू समथिंग डन बाय अ ग्रुप, है ना, तो कोई एक एक्टिविटी है जो एक समूह करने वाला है ना, तो उस समूह में
पैसों की जरूरत है, तो उस पैसे पैसे को डोनेट करना, दान करना, कंट्रीब्यूट करना एक मीनिंग होता है किसका, चिपेन का। ठीक है एवरीवन, योगदान देना, दान देना, खासकर पैसों का। एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू बाय अ बर्थडे केक फॉर आवर बॉस एंड आई एम कलेक्टिंग डोनेशंस, डू यू वांट टू चिपेन। सेंटेंस है, एवरीवन कह रहा है कि हम लोग अपने बॉस के लिए एक बर्थडे केक खरीदने जा रहे हैं और इसीलिए मैं डोनेशंस कलेक्ट कर रहा हूँ, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू चिप इन, क्या तुम भी डोनेट करना चाहोगे। तो चिप इन का मतलब है एवरीवन, कंट्रीब्यूट या डोनेट। डू यू वांट टू डोनेट, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट, क्या आप भी डोनेट करना चाहेंगे, क्या आप भी योगदान देना चाहेंगे। चलिए नंबर 81 एवरीवन, कम अबाउट। कम अबाउट, कम अबाउट का मीनिंग होता है टू हैपन। टू हैपन यानी होना, घटित होना। ठीक है एवरीवन, टू ऑकर, टू टेक प्लेस। एग्जांपल है, लेट मी एक्सप्लेन हाउ द सिचुएशन केम अबाउट, है ना। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये स्थिति परिस्थिति कैसे पैदा हुई, है ना, ये स्थिति परिस्थिति आई कैसे। तो केम अबाउट यानी हैपेंड, केम अबाउट यानी हैपेंड। ठीक है एवरीवन, ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 81। नंबर 82 एवरीवन, कम ऑफ। कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टेक प्लेस सक्सेसफुली। टेक प्लेस यानी हैपन, ऑकर, होना, घटित होना। सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक। तो सफलतापूर्वक किसी घटना का घटना, सफलतापूर्वक किसी इवेंट का घटित होना। एग्जाम्पल है, आई एम अफ्रेड दैट डील डिडंट कम ऑफ आफ्टर ऑल। आई एम अफ्रेड का मतलब होता है एवरीवन, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि वो जो डील था वो कम ऑफ नहीं हुआ। वो जो डील था वो कम ऑफ नहीं हुआ, मतलब जो डील था वो सक्सेसफुली हुआ नहीं, डील फाइनल नहीं हुआ, है ना। डील, अग्रीमेंट, जो कह लीजिए, सहमति बन नहीं पाई। ठीक है एवरीवन, तो कम ऑफ यानी टेक प्लेस सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हैं, नंबर 83 है कम आउट। कम आउट है ना, बहुत कॉमन है, इसका मतलब होता है अपीयर, प्रकट होना। कम आउट यानी प्रकट होना। एग्जाम्पल है, व्हेन द न्यूज केम आउट एवरीवन वाज शॉक्ड। जब खबर आई, है ना, व्हेन द न्यूज कम आउट, व्हेन द न्यूज अपीयर्ड एवरीवन वाज शॉक्ड। तो जब न्यूज, खबर, समाचार सामने आया, लोगों के बीच आया, तो सब लोग शॉक्ड रह गए, दंग रह गए। ठीक है एवरीवन, सो केम आउट यानी अपीयर। नंबर 84 एवरीवन, कम राउंड। फ्रेजल वर्ब नंबर 84 है एवरीवन, कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है टू रीगेन कंसियसनेस। टू रीगेन कंसियसनेस, कंसियसनेस का मतलब होता है एवरीवन चेतना, है ना। तो चेतना पुनः प्राप्त कर लेना, चेतना फिर से प्राप्त कर लेना, मतलब होश में आ जाना। ठीक है एवरीवन, मूर्छित थे आप, अब चेतना पा लिए हैं, मतलब फिर से होश में आ जाना। एग्जाम्पल है, टू ऑफ हिज कलीग्स took care of him until he came round, है ना। तो उनके दो कलीग्स ने, उनके दो सहकर्मियों ने उनका ध्यान तब तक रखा जब तक वो होश में ना आ गए, है ना, जब तक उन्होंने चेतना को वापस प्राप्त नहीं कर लिया। सो कम राउंड का मतलब होता है एवरीवन टू रीगेन कॉन्शियसनेस, है ना, फिर से होश में आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 85 है काउंट ऑन। फ्रेजल वर्ब नंबर 85 एवरीवन, काउंट ऑन। काउंट मतलब गिनना होता है, ऑन मतलब ऊपर होता है, तो काउंट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर गिनना, नहीं। काउंट ऑन का मतलब होता है एवरीवन डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, है ना, निर्भर होना, आश्रित होना। एग्जाम्पल है, आई एम काउंटिंग ऑन यू। आई एम काउंटिंग ऑन यू मीन्स आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, आई एम रिलाइंग ऑन यू टू वेक मी अप टुमारो, है ना। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ, है ना, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम मुझे कल सुबह जगा दोगे। तो काउंट ऑन मतलब एवरीवन डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल नंबर 86 है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन, कट डाउन का मतलब होता है एवरीवन टू रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। किसी चीज को कम करना, या तो साइज में, लेंथ में,
लंबाई में या फिर अमाउंट में, मात्रा में, है ना। तो किसी चीज को कम कर देना, या तो लेंथ में, लंबाई में, साइज में, नहीं तो अमाउंट में, मात्रा में। एग्जाम्पल लिखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर पीटर वॉज वेरी इल एंड हिज डॉक्टर टोल्ड हिम टू कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ सिगरेट्स ही स्मोक्ड। पिछले साल पीटर बीमार हो गया तो डॉक्टर ने उसको सख्त हिदायत दी कि जितने सिगरेट पी रहे हो उसको कम करो, है ना, कम करो, वरना भगवान को जल्दी प्यारे हो जाओगे। ठीक है एवरीवन, सो कट डाउन, कट डाउन नहीं, कट डाउन ऑन मतलब रिड्यूस, है ना। डॉक्टर टोल्ड हिम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट्स ही स्मोक। जितनी सिगरेट पी रहा था बोला कि पियो, ठीक है, लेकिन कम करो। आगे है एवरीवन नंबर 87, डाई आउट। डाई मतलब होता है मर जाना, मृत हो जाना, खत्म हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। डाई आउट का मतलब क्या होता है? टू डिसअपीयर कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म हो जाना, पूरी तरह से गायब हो जाना, मतलब लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, दोबारा नहीं दिखना धरती पे, संसार में। एग्जाम्पल है द ग्रेट डायनासोर्स डाइड आउट मिलियन ऑफ इयर्स अगो, है ना। डायनासोर का तो नाम जरूर सुना होगा आपने, उनको आप मूवीज में, पिक्चर्स में, है ना, मैगजीन्स में, बुक्स में देखते होंगे, वास्तव में नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि लाखों साल पहले वो इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, है ना, लाखों साल पहले वो गायब हो चुके हैं। सो डाई मतलब मरना, डाई आउट मतलब विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, हमेशा के लिए गायब हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना। ठीक है एवरीवन, ये था नंबर 87, डाई आउट। चलिए एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 88 है डू अवे विथ। ठीक है, डू अवे विथ ये फ्रेजल वर्ब है, एक शॉर्ट वर्ब है और दो प्रेपोजिशन है, और ये याद होना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, लेकिन आपको एक ही मीनिंग बताया था मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में, आज दोनों मीनिंग उसके बताने वाला हूँ। तो डू अवे विथ का पहला मतलब होता है एवरीवन अबॉलिश, खत्म कर देना, निरस्त कर देना, और दूसरा मतलब होता है मर्डर, हत्या कर देना, वध कर देना। एग्जाम्पल है डॉग लाइसेंसेस हैव बीन डन अवे विथ, डॉग लाइसेंसेस हैव बीन डन अवे विथ मतलब डॉग लाइसेंसेस हैव बीन अबॉलिश्ड। तो डॉग लाइसेंसेस को खत्म कर दिया गया है, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, कोई वैलिडिटी नहीं रही। ठीक है, चलिए दूसरा मतलब एवरीवन मर्डर, हत्या कर देना। व्हाट इफ दे डू अवे विथ द ओल्ड मैन, व्हाट इफ दे डू अवे विथ द ओल्ड मैन, व्हाट इफ दे मर्डर द ओल्ड मैन, है ना, क्या होगा जब वे लोग उस वृद्ध पुरुष की हत्या कर देंगे। ठीक है एवरीवन, तो डू अवे विथ का दो मीनिंग। आगे बढ़ते हैं नंबर 89, एग ऑन। आप में से बहुत लोगों को यही लगता होगा कि एग का मतलब सिर्फ अंडा होता है, एग का मतलब अंडा होता है नाउन के रूप में, लेकिन एग का मतलब वर्ब के रूप में इंस्टिगेट करना भी होता है। इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना किसी गलत काम के लिए। ठीक है एवरीवन, At first, Bobby and Chintu were just having a mild argument, but Bobby's friends egged them on until they started fighting. समझ में आई पूरी बात? पहले तो बॉबी और चिंटू के बीच में हल्का फुल्का तर्क वितर्क हो रहा था, बहस हो रही थी, लेकिन बॉबी के दोस्तों ने उन दोनों को तब तक उकसाया जब तक दोनों हाथापाई नहीं करने लग गए। ठीक है एवरीवन, तो एग ऑन यानी उकसाना, भड़काना गलत काम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब नंबर 90 है एवरीवन एंड अप। एंड का मतलब आपको मालूम है ना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ओवर हो जाना, कंप्लीट हो जाना। एंड अप का दो मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। एंड अप का पहला मतलब होता है फिनिश इन अ सर्टेन वे, किसी खास तरीके से फिनिश होना, कंप्लीट होना, पूर्ण होना, समाप्त होना, संपन्न होना। एक और मतलब एवरीवन फाइनली अराइव एट अ प्लेस, किसी जगह पर अंततः पहुंचना, खत्म होना और पहुंचना, दो मीनिंग है किसका, एंड अप का। एग्जांपल देखते हैं, वी एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर लंच। तो यहां पे एंडेड अप का मतलब क्या हो गया एवरीवन, फाइनली अराइव्ड, है ना। सो वी फाइनली
नहीं नहीं सेकंड मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, इसका पहला मीनिंग ये आ रहा है, वी फिनिश्ड स्टेइंग देयर फॉर लंच, है ना, वी फिनिश्ड स्टेइंग देयर फॉर लंच, तो हम लोग अंततः वहीं पे रुक गए, हम लोग अंततः वहीं पे रुक गए और हमने वहां पे लंच किया। चलिए अगला एग्जाम्पल, वी गॉट लॉस्ट लास्ट नाइट एंड एंडेड अप इन द नेक्स्ट टाउन, है ना, तो लास्ट नाइट पिछली रात हम लोग खो गए थे, ठीक है, और अंततः हम लोग दूसरे शहर में, अगले शहर में पहुंच गए। एंडेड अप का मतलब यहाँ पे क्या है, अराइव, है ना, एंडेड अप का मतलब है यहाँ पे अराइव्ड, है ना, एंड वी फाइनली अराइव्ड इन द नेक्स्ट टाउन, और यहाँ पे एंड अप का मतलब क्या है, फिनिश्ड, सो वी फिनिश्ड स्टेइंग देयर फॉर लंच, हम लोग लंच के लिए वहीं रुक गए, है ना, वहां से फिर दूसरे जगह नहीं जा पाए। आगे है नंबर 91 एवरीवन, फिगर आउट, अगला फ्रेजल वर्ब है एवरीवन, फिगर आउट, तो फिगर आउट के भी दो मीनिंग आप देख सकते हैं, पहला मतलब होता है सॉल्व प्रॉब्लम, किसी समस्या को सुलझाना, है ना, उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके उसको सुलझाना, और दूसरा मतलब होता है टू अंडरस्टैंड व्हाई समबडी बिहेव्स द वे शी और शी डज, तो दूसरा मतलब होता है समझना, समझना कि क्यों कोई व्यक्ति उस तरह से बिहेव कर रहा है। दो मीनिंग है एवरीवन, पहला मतलब क्या है, किसी समस्या को सुलझाना, उसके ऊपर काफी सोच विचार करके, और दूसरा मतलब होता है किसी व्यक्ति को समझना कि वो उस सिचुएशन में वैसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे वो बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट प्रॉब्लम बट आई फाइनली फिगर्ड इट आउट, लॉन्ग टाइम तक मतलब लंबे समय तक मैं समझ नहीं पा रहा था अंतिम प्रॉब्लम को, अंतिम समस्या को, अंतिम सवाल को नहीं समझ पा रहा, मैं बहुत लंबे समय तक नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अंततः मैंने उसको फिगर आउट कर लिया, अंततः मैंने उस समस्या को सुलझा लिया बहुत सोच विचार करके। तो यहां पर फिगर आउट का मतलब क्या है एवरीवन, सॉल्वड इट, है ना, आई फाइनली सॉल्वड इट। अगला एग्जाम्पल, आई कांट फिगर मेरी आउट, आई कांट फिगर मेरी आउट, मैं मेरी को समझ ही नहीं पाता हूँ, समटाइम्स शी इज वेरी वार्म एंड फ्रेंडली एंड समटाइम्स शी एक्ट्स एज इफ शी डजंट नो मी, कभी कभी तो बहुत फ्रेंडली और वार्मली बिहेव करती, ऐसे लगता है जैसे कितने जन्म जन्मांतर के हम लोग साथी हैं, मित्र हैं, और कभी कभी तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो मुझे जानती तक नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि वो ऐसे क्यों है, है ना, आई एम नॉट एबल टू फिगर हर आउट। चलिए एवरीवन, ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 91। नंबर 92 एवरीवन, गिव इन, गिव इन, गिव का मतलब देना, लेकिन गिव इन का मतलब क्या होता है, टू सरेंडर, समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना, ठीक है। एग्जाम्पल है, द फाइट बिटवीन मोनू एंड दानिश stopped when Monu hurt his hand and had to give in. Monu और Danish के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो रुक गया, कब, जब जब Monu ने अपने हैंड को हर्ट कर लिया, जब Monu ने अपने ही हाथ को चोटिल कर लिया, जख्मी कर लिया, और उसको सरेंडर करना पड़ा, और उसको समर्पण करना पड़ा, हार मानना पड़ा, गिव इन यानी टू सरेंडर, हार मान लेना। नंबर 93 एवरीवन, गिव ऑफ, गिव ऑफ, गिव मतलब देना, और गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस अ स्मेल, लिक्विड और गैस, गिव ऑफ का मतलब होता है एवरीवन कोई गंध, कोई लिक्विड या कोई गैस प्रोड्यूस करना, है ना, सेंड ऑफ, सेंड ऑफ अ स्मेल, लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल है, द चीज हैड बिगन टू गिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, The cheese had begun to give off a strong smell. Sorry, a strange smell. वो जो चीज है, पनीर है, उससे अजीब तरह का, विचित्र तरह का गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, ठीक है एवरीवन, तो give off यानी to produce, उत्पन्न करना, पैदा करना। 94 है hand in. हैंड इन, हैंड का मतलब हाथ होता है noun के रूप में, और verb के रूप में hand का मतलब क्या होता है, देना, हैंड का मतलब क्या होता है, देना, हैंडिंग का मतलब क्या होता है, सबमिट कर देना, है ना, जमा कर देना, क्या,
कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई टास्क है ना जो आपको दिया गया, उसको आप सबमिट कर रहे हो, उसको आप जमा कर रहे हैं. You had better get started on your report. You know that you have to hand it in at 8:30 tomorrow morning. है ना, बेहतर होगा कि तुम अपने रिपोर्ट पे काम करना चालू कर दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अपने रिपोर्ट को हैंडिंग करना है, यानी सबमिट करना है कल सुबह 8:30 बजे. तो बेहतर होगा कि तुम अपने रिपोर्ट पे काम करना चालू कर दो, हैंड इन. ठीक है एवरीवन. नंबर 95 है, बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब कीप अप, है ना. कीप अप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब जारी रखना, करते रहना, रुकना नहीं. वेल डन, कीप अप द गुड वर्क, है ना. ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, वेल डन, कीप अप द गुड वर्क, शाबाश, है ना, अच्छे काम को करते रहो, रुको नहीं. कीप अप द गुड वर्क, है ना. कीप अप यानी कंटिन्यू द गुड वर्क, अच्छे काम को करते रहो, रुको नहीं. नंबर 96 एवरीवन, लुक डाउन अपॉन, है ना. एक शॉर्ट वर्ब, दो प्रेपोजिशन. ठीक है एवरीवन, लुक डाउन अपॉन, लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, फिर अपॉन मतलब ऊपर होता है, तो नीचे ऊपर देखना. लुक डाउन मतलब नीचे देखना, यहां से मीनिंग निकाल सकते हैं. लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा समझना, किसी को इन्फीरियर, वर्थलेस या लो समझना, है ना, घटिया मानना, निम्न मानना, है ना, बेकार समझना, निम्न स्तर का मानना. ठीक है एवरीवन, एग्जांपल है, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर. अमीर लोगों को गरीब लोगों को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए. अमीर लोगों को गरीब लोगों को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, मतलब अमीरों को उनको इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, वर्थलेस या लो नहीं मानना चाहिए. सो लुक डाउन अपॉन एवरीवन, किसी को इन्फीरियर, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को, है ना. रिगार्ड समबडी और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, एज इन्फीरियर, वर्थलेस और लो. नंबर 97 एवरीवन, लुक इनटू, बहुत ही कॉमन, है ना. लुक इनटू, अब लुक मतलब देखना, इनटू मतलब अंदर, तो लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, केयरफुली एवरीवन एग्जामिन करना चीजों को, केयरफुली चीजों को एग्जामिन करना मतलब छानबीन करना. एग्जाम्पल है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द डेथ ऑफ मिस्टर जॉन. पुलिस जो है वो मिस्टर जॉन के डेथ का छानबीन कर रही है. पुलिस क्या कर रही है एवरीवन, मिस्टर जॉन के डेथ का छानबीन कर रही है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है. आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब नंबर 98 है एवरीवन, लुक सही बना, लुक अप टू समबडी का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट और एडमायर समबडी, किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, या उनकी प्रशंसा करना, मान सम्मान देना या प्रशंसा करना. लुक अप टू समबडी, वी ऑलवेज लुक अप टू यू, हम हमेशा आपका सम्मान करते हैं, हम हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं. तो लुक अप टू, टू रिस्पेक्ट या टू एडमायर, ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 98. फ्रेजल वर्ब नंबर 99 एवरीवन, मेक ऑफ विथ का मतलब होता है रन अवे विथ, है ना. रन अवे मतलब भाग जाना, किसी चीज के साथ भाग जाना, कोई चीज चुरा कर भाग जाना. ठीक है एवरीवन, एग्जांपल है, द थीफ मेड ऑफ विथ अ वैल्यूएबल नेकलेस. द थीफ मेड ऑफ विथ मीन्स द थीफ रैन अवे विथ अ वैल्यूएबल नेकलेस, एक कीमती गले के हार को चुरा कर चोर भाग गया. ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं. 100th फ्रेजल वर्ब इज पास अवे, बोलिए पास ऑन बोलिए, पास ओवर बोलिए, सबका एक ही मतलब होता है, टू डाई, है ना, मर जाना, है ना, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं चल बसना, गुजर जाना, भगवान को प्यारा हो जाना, प्राण पखेरू उड़ जाना, ये सारे एक्सप्रेशन है हिंदी में मर जाने के. तो पास अवे, पास ऑन, पास ओवर, सबका एक ही मतलब होता है, टू डाई. एग्जांपल है, फ्रेड पास्ड अवे इन 1985 आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस.
एक लंबी बीमारी के बाद फ्रेड 1985 में चल बसा, गुजर गया। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। नंबर 101, पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश। टू एक्सटिंग्विश यानी बुझा देना, है ना, लाइट को बुझा देना, आग को बुझा देना। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल है, स्टीव पुट आउट द लाइट इन द बालकोनी बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स टू बेड, है ना। तो सोने जाने के पहले, ऊपर सोने जाने के पहले स्टीव ने बालकोनी के लाइट को ऑफ कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, पुट आउट कर दिया, बुझा दिया। ठीक है एवरीवन। 102, रन डाउन। रन डाउन, रन डाउन का पहला मतलब होता है एवरीवन टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, निंदा करना। ठीक है एवरीवन, जो बैड क्वालिटीज है उसको बताना। और दूसरा मतलब होता है लूज पावर और अलाउ टू डिक्लाइन। लूज पावर, शक्ति खो देना, मतलब कमजोर हो जाना। अलाउ टू डिक्लाइन मतलब पतन होना, खराब होना। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल देखते हैं। शी इज ऑलवेज रनिंग डाउन हर हस्बैंड। She is always running down her husband. Means she is always criticizing. She is always criticizing her husband. वो हमेशा अपने पति की आलोचना करते रहती है, वो हमेशा अपने पति का बुराई करते रहती है, अपने पति के बुरे qualities को दूसरों को बताते रहती है। I think the batteries are running down. I think The batteries are running down. मुझे लगता है कि जो बैटरी है वो अपना पावर लूज कर रहे हैं, है ना, कमजोर हो रहे हैं, है ना। I think the batteries are losing their power. तो दो मीनिंग था एवरीवन, आलोचना करना और कमजोर होना। चलिए 103, sink in. Sink in, sink का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, डूबना होता है, पानी में डूबना। सिंक इन का मतलब होता है रियलाइज स्लोली, धीरे धीरे रियलाइज होना, एहसास होना, पता लगना, पता चलना, है ना, ज्ञात होना, जानकारी मिलना। एग्जाम्पल है, स्लोली द रियलाइजेशन दैट आई हैड वोन बिगैन टू सिंक इन। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं जीत चुका हूं। होता है ऐसा एवरीवन, है ना, एकाएक जब आपके साथ कोई फीलिंग, है ना, कोई फीलिंग खुशी का, गम का, आश्चर्य का, एक जब आपको होता है तो आप सिंक इन नहीं करते, आपको रियलाइज नहीं होता है। धीरे धीरे समय के बीतते के साथ आपको रियलाइज होता है कि वो फीलिंग आपको हुआ है, खुशी का, गम का, आश्चर्य का, या कोई और चीज की फीलिंग। 104, एवरीवन, सॉर्ट आउट। एस ओ आर टी, सॉर्ट का मतलब होता है छांटना, और सॉर्ट आउट का मतलब होता है फाइनल सॉल्यूशन। सॉर्ट आउट का मतलब होता है एवरीवन फाइनल सॉल्यूशन, मतलब समाधान ढूंढना। ठीक है एवरीवन, डोंट वरी आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्याओं को सुलझा दूंगा, है ना। तो सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना, समाधान ढूंढना, निदान ढूंढना। 105 एवरीवन, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है एवरीवन रिजेंबल। रिजेंबल, रिजेंबल यानी लुक लाइक, के जैसा दिखना, है ना, अपने परिवार में अपने बड़े के जैसा दिखना, अपियरेंस में या फिर बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक में। टेक आफ्टर, एग्जाम्पल एवरीवन, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल टेक्स आफ्टर हर मदर। हर खूबसूरत लड़की अपने माँ के ही जैसे दिखती है। मतलब अगर लड़की, बालिका, है ना, महिला खूबसूरत है, सुंदर है, इसका मतलब है कि उसकी माँ भी जरूर सुंदर होगी। ठीक है एवरीवन, टेक आफ्टर यानी रिजेंबल, ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 105।